हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G71 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप डेट एंड टाइम सेटिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ डिटेल में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन कर लेंगे तो आपको नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर आपको सिस्टम का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिस्टम के इस पेज में डेट एंड टाइम का ये ऑप्शन मिलता है, इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम के इस पेज में सेट डेट सेट टाइम ये ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा, लेकिन आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये ओपन नहीं होते हैं, सेट डेट और सेट टाइम। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है कि ऊपर की साइड ये ऑप्शन दे रखा है यूज़ नेटवर्क प्रोवाइड टाइम, यूज़ नेटवर्क प्रोवाइड टाइम पे आपको इसे सेलेक्ट करना है और ये छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है ऑफ का। ठीक है, इसे ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेट और टाइम का ये जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है पहला ये जो है डेट पर सेलेक्ट कर लेना है। डेट पे सेलेक्ट कर लेंगे तो ऊपर आप जनवरी का आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जनवरी है। अगर आपको अगले मंथ में जाना है तो यहाँ पर जो आपको ये एरो का बटन दिख रहा होगा ये राइट साइड में, इसे आप दबाएंगे तो आपका फेब्रुअरी आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आप इसे टैप करेंगे तो इसके बाद वाला मार्च आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस मंथ में जाना है, पिछले मंथ में जाना है, तो आपको जो है यहाँ पर ये बैक बटन दे रखा है यहाँ पर इस साइड में लेफ्ट साइड पर, इसे आप टैप करेंगे तो आप जो है प्रीवियस मंथ में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है अपना मंथ यहाँ पे ठीक से सेलेक्ट कर लीजिए और उस मंथ में की जो है आपको जो डेट आपको सेलेक्ट करनी है वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको इसे जो है नीचे की साइड में ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपकी जो डेट है वो आपकी सेट हो जाएगी। अब बारी आती है टाइम की, टाइम को कैसे सेट करना है, टाइम पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जो पहले नंबर या आप काउंटिंग देख रहे हैं ये पहले जो है घंटे का टाइम है, आवर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इसे अपने घंटे को सिलेक्ट कर लेना है पहले, तो फिर इसके बाद आपको जो है मिनट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मिनट यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, जितना भी टाइम आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और खास ध्यान यहाँ पर आप रखिए कि ये जो AM और PM दे रखा है ये कैसे सेलेक्ट करना है आपको। AM और PM, AM कब आपको सेलेक्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप सुबह का टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं दिन का AM का, ठीक है, तो आपको AM सेलेक्ट करना है। ठीक है, AM कब से कब तक होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। रात के 12 बजे के बाद से, ठीक है, दोपहर के 12 बजे तक आपका AM होता है। ठीक है, और दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे तक आपका PM होता है। ठीक है, तो इस खास चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगर आप दिन के 9:30 बजे सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको AM करना है, अगर आप रात के 9:30 बजे का टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको PM करना है। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है कुछ इस तरीके से आपको जो है टाइम और डेट सेट कर लेना है और आपको इसे ओके ज़रूर कर देना है। ओके कर देंगे तो आपका डेट एंड टाइम जो है सेट हो जाएगा। आप यहाँ पे 9:23 देख रहे हैं टाइम पे और ऊपर भी जो है 9:23 हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको जो है डेट भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। 8 फरवरी यहाँ पे हो रहा है, तो मेरे मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 8 फरवरी यहाँ पे क्लॉक में दिखाई दे रहा है और 9:23 भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपने मोटो G71 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में डेट और टाइम को आप जो है इजीली सेट कर सकते हो। ठीक है,